पटना राज्य सरकार राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं को पूरी तरह से स्मार्ट बनाने को लेकर स्मार्ट मीटर पर काम कर रही है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार के दो दो डिवीजन में शत प्रतिशत प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इसी उपलक्ष्य में आशियाना नगर बिजली विभाग कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और ऊर्जा CMD संजीव के द्वारा शत प्रतिशत प्रीपेड मीटर लगाने वाले डिवीजन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुझे स्मरण है जब मोबाइल आया तो बड़ा चिट्ठी विरोध हुआ था। अब प्रीपेड मोबाइल कितना ज्यादा व्यापक पैमाने पर सब्जी बेचने वाला गरीब दुर्बार रिक्शा वाला ठेला वाला भी चलाता है, अनपढ़ महिलाएं भी मोबाइल चलाती हैं, कोई पढ़ी लिखे की जरूरत उसमें नहीं है। तो विभिन्न धारणाओं से चिंता रहित करने की जरूरत नहीं है, चीजें बननी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। विज्ञान ने जो तरक्की की है, जो अनुसंधान किया है, जो नए तरकीब भी कराया है, हम तो गुप्ता उसका व्यापक लाभ समाज को मिलना चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम भी जहाँ जहाँ कहीं जाते थे शिकायत मिलती थी बिल बहुत आ गया। इसका सबसे बड़ा निराकरण यही है। ये ठीक है कि 18 में ही निर्णय कैबिनेट का हुआ, देर क्यों लगी ये प्रश्न उठेगा। मैं एडमिट था कि मेंटेनेंस कहां से होगा, जब तक मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं कोई कंपनी तैयार होगी करने के लिए हम इसको नहीं लगावेंगे, क्योंकि कल बिहार में गरीब गुरबा लोग जो हैं वो जब खराब हो जाएगा तो कौन करेगा मेंटेनेंस को, कौन क्या क्या, क्या होगा उसका। अंतो गुप्ता फ्रांस की कंपनियां, कौन सी कंपनी है, हाँ वो तैयार हुई और 8 साल क्या गारंटी पर पिछले दिनों एग्रीमेंट हुआ, तब जाकर के उसको पूरे व्यापक पैमाने पर इसको लगाने का काम प्रारंभ हुआ।